चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए इधर देखिए, ध्यान दो, एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा हल्का थ्योरीज का हम लोग ले लेते हैं, बहुत डेप्थ में ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा फिजिक्स में जो ज़रूरत है वो मैथमेटिकल जिसके जो एक्सप्रेशंस हैं उन्हीं की ज़रूरत है, थ्योरी नहीं आती है। ठीक, तो सबसे पहले एटम, ये जो बात सबसे पहले बताई डॉल्टन ने, एटम का मतलब होता है जो कट ना हो सके, नॉट कट, जिसको डिवाइड ना कर सके, तो उसका उसी को एटम कहा गया। और डाल्टन ने यह बताया कि किसी भी मटेरियल सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, वो एटम होता है। ठीक, ये बात इन्होंने बताई। इसके बाद जो है फिर जो है आते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आए बीच में, थोड़ा थोड़ा सबने किया, लेकिन जो मेन मेन लोग हैं उन लोगों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थॉमसन मॉडल, तो थॉमसन ने क्या कहा, ये 1898 में इन्होंने अपना मॉडल दिया, और इन्होंने ये बताया कि मतलब वाटरमेलन का जो है तरबूज मॉडल जिसे कह सकते हैं, इन्होंने ये कहा कि जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं इस तरह से होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्हीं के बीच में ऐसे लगे होते हैं इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये इन्होंने अपना मॉडल दिया, तमाम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह एक्सप्लेन किया, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग लिनॉर्ड, इन्होंने क्या सजेस्ट किया, इन्होंने ये कहा कि कैथोड रेज को जब किसी थिन फॉयल पर गिराया, इन्होंने देखा बहुत सारे जो कैथोड रेज हैं बिना डिविएट हुए सीधे निकल गई, तो इन्होंने कहा कि भाई बहुत सारा स्पेस जो है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है। ये 1903 में इनका मॉडल आया, और थोड़ा ये कह के इनका भी मामला ऐसे ही रह गया। फिर आते हैं 1906 से लेकर 1911 तक का ड्यूरेशन का रहा रदरफोर्ड का, और रदरफोर्ड ने क्या कहा, इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, अल्फा पार्टिकल लिया, गोल्ड फॉयल लिया, और उस अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल पर गिराया, और तमाम सारे इन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए, तो इन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो बिना डिविएट हुए स्ट्रेट सीधे निकल जा रहे हैं, ये बात कही इन्होंने। फिर इन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री पर जा रहे हैं और सीधे कम बैक हो जा रहे हैं, इससे ही बहुत सारे 90 डिविएट हो गए, तो तमाम सारे एंगल्स पे डिविएट हो रहे हैं, कुछ सीधे स्ट्रेट चले जा रहे हैं, कुछ जाके सीधे वापस आ जा रहे हैं, और ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये जो डिपेंड करते हैं, एक तो डिपेंड कर रहे हैं 1/sin^4θ/2 इस पर डिपेंड कर रहे हैं, दूसरी डिपेंडेंस इन्होंने कहा कि n प्रोपोर्शनल टू t, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं n प्रोपोर्शनल टू ये थिकनेस ऑफ मटेरियल जिस पर हम इसको गिरा रहे हैं उसकी थिकनेस पर डिपेंड कर रहे हैं, और यहीं से फॉर्मूला आपका n1/n2=t1, यहां से इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं कि n1/sin^4θ/2, और यहां से आपको मिल जाएगा कि n1/n2 sin^4θ/2 sin^4θ/1, तो एक मतलब का क्वेश्चन आपका यहां मिला, अभी बाकी इधर अभी यहां कुछ आपके यहां नहीं आएगा। और इसके बाद एक कर्व प्लॉट किया एन और थीटा में, तो कर्व देखते हैं कि जैसे
आप थीटा की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये देखिए डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है। और थीटा जब 180 कर देंगे मतलब ये कर्व हमारा इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि वैल्यू जो हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। 180 कर देंगे तो यह इसका मतलब हो जाएगा कि ये हमारा जो कर्व होगा ऐसे ही जो है हाइपरबोलिक कर्व हमारा दिखाई पड़ता है। किसके बीच प्लॉट किया गया है, एन और थीटा के बीच में। थोड़ा सा मतलब का ये हो गया और ये हो गया आपका, दो चीज़ें यहाँ मतलब की आई, बाकी और थ्योरी इसमें आपके यहाँ नहीं आएगा कुछ। इस पर क्वेश्चन कोई पूछ ही नहीं गए हैं, इसी दोनों पे, ये दोनों आपका इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने तमाम सारे जो एक्सपेरिमेंट किए कि स्ट्रेट सीधे चले जाते हैं बिना डिविएट हुए, कुछ जो है वो 90 पे डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ जो है 90 डिग्री, कुछ सीधे 180 मतलब गए और सीधे वापस आ गए। इन सारे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला, और वहीं पर इन्होंने अपना ये थॉमसन मॉडल दिया। और मॉडल इन्होंने ये दिया कि इन्होंने ये कहा कि भाई जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस बीच कहा, जहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूक्लियस कहा उसको, और न्यूक्लियस का जो साइज इन्होंने बताया वो कितना बताया, 10^-15 मीटर या 1 फर्मी। और एटम का साइज इन्होंने बताया कितना, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10^-10 मीटर। ठीक, न्यूक्लियस हो गया कितना, 1 फर्मी, 1 फर्मी मीन्स 10^-15 मीटर। और एटम का जो साइज उन्होंने बताया वो कितना बताया, 10^-10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम बताया। और ये कहा कि सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे होता है, इनके न्यूक्लियस पे होता है। ठीक, और ये बताया कि ये इसके चारों तरफ जो स्पेस है ये एम्प्टी होता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है, ऐसे घूमता रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में। ये रदरफोर्ड ने अपना मोटा मोटा 2-4 पॉइंट्स बताए, बाकी और डेप्थ में हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि आता नहीं है, तो थोड़ा जो बेसिक चीज़ें हैं उसी पे हैं। ठीक, तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये अपने कंक्लूजन्स निकाले कि जो इसका जो सेंट्रल पार्ट है जिसको न्यूक्लियस कहा गया उसमें सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रोटेट करता है। न्यूक्लियस का जो साइज इन्होंने बताया 10^-15 मीटर मीन्स 1 फर्मी, और ये बताया 10^-10 मीटर किसका, एटम का साइज बताया जो कि 1 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल मास एक तरीके से वो सेंटर मतलब न्यूक्लियस होता है 99 पॉइंट के समथिंग आसपास। दूसरा चीज़ ये जो टोटल वॉल्यूम मतलब इसका न्यूक्लियस होता है वो एटम के 10^-12 के इक्वल होता है। तो ये दो तीन चीज़ें चार इन्होंने अपनी बताई, और इसके बाद अब इसमें ये हम लोग सेकंड पेपर में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टेट में एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में अल्फा पार्टिकल है ये। ठीक, अब क्लोजेस्ट अप्रोच का मीनिंग क्या हुआ, जो यहाँ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये कि अल्फा पार्टिकल हमारा आया और यहीं पे ये रुक गया, तो ये जो डिस्टेंस हमारी है इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो होगा क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने का मेथड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग निकालेंगे, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां से अल्फा पार्टिकल मूव किया, और ये आपका जो है ये जेडी मतलब जेड एटॉमिक नंबर हो गया, ई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये अल्फा यहां से यहां आया, यहां रुक जाएगा क्योंकि ये रिपेल करेगा, रिपल्सन को जैसे यहां पर रेस्ट में आ जाएगा।
तो यहां पर अल्फा था, यहां पर आपका ये गोल्ड उन्होंने लिया था, जो गोल्ड फाइल लिया था। तो यहां इनिशियल पोजीशन पर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो ये मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर। और अब ये रेस्ट में है तो इसकी क्या हो गई, जीरो हो गई। डिस्टेंस नहीं दिया गया दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डिस्टेंस दिया जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू हम लेते हैं, ठीक। मतलब ये हो गया कि हम इसको यहां इसे बना के बताएं आपको, 2He4 ये यहां पर है और ये JD, ठीक, इनके बीच कोई सेपरेशन नहीं है। सेपरेशन दिया होता तो पोटेंशियल भी होती, नहीं दिया है तो इनिशियल पोजिशन हो गई कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम बी स्क्वायर। इनके बीच पोटेंशियल डिस्टेंस नहीं है तो क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। और ये रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक क्या हो गई, काइनेटिक इंडिविजुअल पार्टिकल की होगी, पोटेंशियल दोनों पार्टिकल के बीच की होती है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये पार्टिकल आपका मूव करके, हम इसको यहां दिखा रहे हैं कि 2He4 और ये JD हो गया। अब ये डिस्टेंस हम इसको आर नाट ले लेते हैं, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस आर नाट है, अब यहां पर हम एनर्जी लगा देंगे, यहां पर लगा देंगे। अब ये रेस्ट में आ गया है, B=0 और ये ऑलरेडी रेस्ट में है ही है, ये नहीं मूव कर रहा, हम तो यहां दिखा के बाकी यहीं पे, मतलब समझो ये पार्टिकल हमारा यहां कहीं आ गया है और ये रेस्ट में है ये। अब इनके बीच सेपरेशन दिया तो कौन सी एनर्जी हो जाएगी बताइए, सेपरेशन जब दिया जाए तो कौन सा हो जाएगी, काइनेटिक क्या हो जाएगी, 1/4πε₀Q1Q2। अब Q1 इसका चार्ज हो जाएगा, Q2 इसका चार्ज हो जाएगा। यहां पर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहां 2 ही लिख देते हैं और ये हमने JD लिख दिया अपान आर नॉट लिख दिया। अब देखिए यही फॉर्मूला आपको हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε₀JD × 2E। JD जेड हो गया एटॉमिक नंबर हो गया, E हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां से आर नॉट की वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक। इसमें क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन एक तो ये आता है, ये पूछा गया आर नॉट हो गया 1/m। क्वेश्चन आता है कि मास 2 टाइम्स कर देंगे तो मिनिमम अप्रोच कितना हो जाएगा, तो यहां जनरलाइज कर देंगे, R1/R2 m2/, ठीक। हमने अल्फा ले लिया, कुछ और ले लिया, दो पार्टिकल ले लिया, उनमें मास हमने 2 टाइम्स कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है वेलासिटी वाला, कई बार रिपीट हुआ है, तो वेलासिटी वाला है 1/b²। क्वेश्चन आता है वेलासिटी 2 टाइम्स कर देंगे मिनिमम अप्रोच क्या हो जाएगा, तो इसको जनरलाइज कर देंगे, R1/R2 = B₂/B₁। तो यहां से क्वेश्चन आपका एक यहां से मिलता है, ठीक। अब आगे हम लोग आते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। अब इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, ये न्यूक्लियस और ये जो पार्टिकल जहां से डिविएट हो रहा है इनके बीच का जो सेपरेशन है ये कहलाता है इंपैक्ट पैरामीटर, जिसका फॉर्मूला होता है JD²cot θ/2 4π₀₀½mv²। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो पॉसिबिलिटी है इस पर आ सकता है, B=cot θ/2, लेकिन क्वेश्चन पूछे नहीं गए, तो जैसा मन हो, मन हो तैयार करना, मन होने करना, बहुत ज्यादा से ज्यादा कोशिश को मान लो जिसको करना हो तो ये कर लेना cot θ/2, बाकी इंपॉर्टेंट पोर्शन में नहीं है ये आपका। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, अब ये रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हो गया, फेल इसलिए हो गया इन्होंने कहा भाई ये सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा। तो कॉन्सेप्ट कहता है, थ्योरी कहती है, कोई चीज ये रोटेट कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो फाइनली वो क्या करेगा, न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो जो ये सर्कुलर ऑर्बिट रोटेट करेगा ये थोड़ा सा मामला
क्लियर इन्होंने नहीं किया था, तो एक फेल्योर इनका ये हो गया। ठीक, दूसरा चीज मतलब और इन्होंने क्या क्या कि जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता है, तो ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये इनका जो है फेल्योर हुआ। इसके बाद नील्स बोर मॉडल आ जाता है और इन्होंने क्या किया, ये एक्सप्लेन किए कि दो तीन चीजें इन्होंने बताई खास खास, हम उन्हीं बारे में रहेंगे। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा रोटेट कर रहा है, परमिटेड ऑर्बिट में ही रोटेट करता है, ठीक, और उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई एम बी आर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज क्या हो गई कि ये जब सर्कुलर में रोटेट कर रहा है, एनर्जी का कोई रेडिएशन ये नहीं करता है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स है दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो यहां से एक चीज आपको मिली कि एंगुलर मोमेंटम एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपान। इसके बाद सोमरफेल्ड मॉडल आता, उन्होंने कहा नहीं, ये जो बता रहे हैं कि नहीं सर्कुलर रोटेट करता है, नहीं इलिप्टिकल रोटेट करता है, जैसे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, और यहां तक कि न्यूक्लियस भी रोटेट कर रहा है जैसे सन रोटेट करता है। सन अपनी एक्सिस में रोटेट कर रहा है, उसके चारों तरफ क्या है, प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, वही कहानी यहां पर एटम इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। न्यूक्लियस अपनी एक्सिस में रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। तो ये जो है इनका मॉडल अपना आया। इसी में सोमरफेल्ड ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया इसको। और इसके बाद ड्रॉबैक्स क्या थे कि ये जो है जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम को एक्सप्लेन किए, ठीक, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन की कहानी हो उन्हीं को एक्सप्लेन किए, बाकी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इनका फेल्योर रहा ये सब। अब फिजिक्स में जो स्टार्ट होता आने का यहां से होता है, उधर जो हमने बताया बस वही एक दो जो फॉर्मूले बताए थे वही आते हैं, बाकी कोई थ्योरी आपके नहीं पूछी जाएगी। केमिस्ट्री में आता हो तो वहां आ सकता है, फिजिक्स में नहीं आता, फिजिक्स में यहां से आता है, और एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो यहां से हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहले रेडियस का है, तो रेडियस का देखिए ध्यान से, ठीक, ये जे डी एफ वन एंड एफ टू, रेडियस ले लिया हमने आर या आर एन कह लिया। तो ये F1 इज इक्वल टू F2, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो ये फोर्सेज आपस में सेम हो जाएंगे। ये आपका हो गया एम बी स्क्वायर अपान आर, आर की जगह आर एन ले लेते हैं, आर एन मीन्स हो गया nth ऑर्बिट का रेडियस, इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, तो जे डी इंटू ई अपान आर एन स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम की कहानी ले लेते हैं, एम बी आर इज इक्वल टू यहां भी आर एन कर लेते हैं, एन एच अपान इक्वेशन नंबर, ठीक। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर मतलब वन अपॉन टू का स्क्वायर करके डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, और यहां से रेडियस मिल जाएगा आपका, और ये रेडियस का फॉर्मूला होता है आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट पाई एम जे डी स्क्वायर। यह हमने क्या किया कि एन स्क्वायर जेड इधर कर लिया, और ये जो वैल्यू सारी एच कांस्टेंट इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट पाई कांस्टेंट एम कांस्टेंट ई कांस्टेंट,
और ये जब वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू हमारी आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हमें फार्मूला ये याद करना है, लेकिन ये फार्मूला एक बार आपको आ गया था, क्वेश्चन नहीं आया था, केवल फार्मूला आया था। तो फार्मूला आया था तो ये मेथड आप ध्यान दिए रहिएगा, क्योंकि इसको याद करोगे हो सकता गलत कर जाओ। तो मेथड बेहतर ये है कि आप इसको ध्यान, ये इजी पड़ेगा आपको याद करें, याद कर लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। ठीक, कि क्या हो गया बताइए, आर एन इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक, एक तो अब इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका ये मिला, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे इस पर। इसके बाद कर प्लॉट किया गया आर एन एंड जेड में। अब आर एन जेड इनवर्सली हो रहा है, बोलिए, हाइपरबोलिक कर मिला आपको। आर एन एंड एन में ये देखिए, आर एन 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 में पैराबोलिक होगा और पैराबोला लीनियर की ओर जाएगा। लीनियर हमारा क्या है, आर एन है, ये हो गया पैराबोलिक। अब हम प्लॉट करते हैं आर एन एंड एन स्क्वायर में, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ध्यान दीजिए, आर एन और एन, आर एन एन स्क्वायर, फॉर्मूला हमारा वही है, आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। लेकिन जब कर्व प्लॉट करेंगे हम, आर एन और एन में स्क्वायर नहीं लगाएंगे, तब पैराबोलिक होगा। लेकिन जब आर एन और एन स्क्वायर कर लेंगे तो प्रोपोर्शनल कर्व सीधे आ जाता है, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जैसे टी स्क्वायर और एल में स्ट्रेट लाइन होगा और टी एल में पैराबोलिक हो जाएगा। तो ये कर्व हो गया, कर्व रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि खूब पढ़ चुके हो कर्व के बारे में। फॉर्मूला आपको रटना है और बिल्कुल दिमाग बैठा होना चाहिए, आर एन इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं स्पीड। अब स्पीड के लिए वही जो इक्वेशंस हमारे थे फर्स्ट एंड सेकेंड, इन्हीं दोनों को ऐसे डिवाइड कर दोगे तो आर एन आर एक आर एन से एक आर एन ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक वी से वी कैंसिल हो जाएगा, एक वेलोसिटी बचेगी आपकी। तो यहां से हमारा फॉर्मूला वी एन इज इक्वल टू आया जे डी स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक, लेकिन इसमें भी कहानी वही है, केवल जेड और एन वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें क्या है, कॉन्स्टेंट है। और जब इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम रखते हैं तो आंसर हमारा कितना आता है, 2.2 × 10⁶ जेड अपान एन मीटर पर। दूसरा फॉर्मूला ये रटना है आपको। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया आर एन इज इक्वल टू 0.53 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर अपान जेड, और यहां क्या हो गया 2.2 × 10⁶ जेड अपान एन, वो था एन स्क्वायर अपान जेड, ये क्या हो गया जेड अपान एन, यहां डिजिट हो गई 2.2। जनरली क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, लेकिन कभी कभी ये दे देते हैं, जैसे कहते हैं थर्ड ऑर्बिट की वेलोसिटी फाइंड करिए, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालिए, तब वहां पर आपकी इनकी जरूरत है। और जहां जनरलाइज करते हैं कि फर्स्ट की इतनी है तो सेकेंड कितनी होगी, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हमें इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। हमारी बात समझ में आई, जहां उन्होंने कहा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो हम सीधे सीधे इसको रखेंगे। लेकिन कहते हैं कि इफ वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इतना फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो सीधे किसकी जरूरत पड़ेगी, जेड और एन की पड़ेगी। ओके, तो दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट आपके आए, एक रेडियस का आ गया, क्या फॉर्मूला आया 0.53 एन स्क्वायर अपान जेड, और वेलोसिटी क्या आ गया 2.2 × 10⁶ जेड अपान एन। क्लियर हो गया, कर्व बताने लायक नहीं है क्योंकि खूब कर्व पढ़ चुके हो, वी में और जेड में स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व टच नहीं करेगा यहां पर। ठीक, क्योंकि इसका मतलब हो गया जेड जीरो तो वी एन जीरो, तो जेड किसी भी एटम का जीरो तो होगा नहीं, बोलो। दूसरा कर्व आपका वी एन और एन में, समझ ही गए होगे कैसा होगा, हाइपरबोलिक कर्व हो जाएगा, इसमें भी बताने लायक नहीं है सब। अब आते हैं टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, ये सब निकालना है। तो इसमें क्या है, अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जिसमें हमें इसकी वैल्यू की जरूरत पड़े,
क्लियर हो गया। केवल दो क्वेश्चन आपको पूरे याद करने हैं, रेडियस का और वेलोसिटी का, बाकी ये जो जनरलाइज करते हैं उन्हीं की जरूरत पड़ती है बस। अब कैसे जरूरत पड़ेगी, कैसे आप अभी सब तो रट सकते नहीं हो, तो कैसे हम लोग करेंगे इसको देखिए। जैसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो पहले ये लिखिए बी इज इक्वल टू आर ओमेगा हुआ, ओमेगा हम निकाल लेते हैं तो ओमेगा हमारा हो गया वी अपान आर। अब बताइए वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने क्या बताया, 2.2, तो 2.2 वाला छोड़ दो, जेड अपान, तो यह हो जाएगा जेड अपान एन। और रेडियस का क्या बताया, एन स्क्वायर बाई, तो जेड कहाँ चला गया, तो जेड स्क्वायर अपान क्या हुआ, ये ओमेगा प्रोपोर्शनल टू ये फॉर्मूला, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इस पर नहीं आया, अब आ जाए हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी कोई क्वेश्चन इस तरह का नहीं आया है, ठीक। तो ये फॉर्मूला इसको जनरलाइज करा देते हैं कि फर्स्ट आर्बिट सेकेंड आर्बिट का ओमेगा का रेशियो निकालिए, तो इस तरह क्वेश्चन आया है। अब ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2πf, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πν, और ये प्रोपोर्शनल टू हो गया जेड स्क्वायर अपान एन क्यूब, तो यहां से आपका फ्रीक्वेंसी हो गया जेड स्क्वायर अपान, ये आ गया। इसी में टाइम पीरियड इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो टी प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपान, बात क्लियर हो गया। तो हमें क्या कैसे, क्योंकि सारे फॉर्मूले नहीं रट पाओगे, इधर उधर उलझ जाएंगे, ये चीज ध्यान दे रहिएगा, ठीक। अब ये वैल्यूज जो हैं, ये जो ये डाटा आया है इस पर कोई क्वेश्चन अभी तक दिखा नहीं है, मतलब ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी आप थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट तब वहां पर ये वैल्यू की भी हमें डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी, लेकिन जहां पर पूछे थर्ड एंड फोर्थ का रेशियो निकालिए, थर्ड का दिया है फोर्थ का निकालिए, उन सब में सीधे इनकी जरूरत हमें पड़ जाएगी। बात समझ में आया सबका, बोलो। और मान लो आ जाता है और करना चाहते हो, तो फिर बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, बी का हम बता ही चुके हैं, आर का बता चुके हैं, वो पूरा रटे रहना डाटा, और वहां पर ओमेगा इज इक्वल टू बी अपान आर, बी की पूरी वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू रख दो, तो आपको ये वैल्यू भी मिल जाएगी। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा कहीं आ ही जाता है तो फिर छोड़ने की जरूरत हमें नहीं है, हम रख के निकाल लेंगे। अब ऐसे ही फ्रीक्वेंसी निकालने को आ जाता है तो देखिए 2π इसमें और आ जाएगा इसके नीचे, टाइम पीरियड आ गया, तो कोई भी निकाल लीजिए, लेकिन क्वेश्चन अभी तक जनरलाइज ही कराए हैं, केवल वेलोसिटी और रेडियस में एग्जैक्ट वैल्यू पूछे हैं, सेकेंड आर्बिट थर्ड आर्बिट बाकी नहीं पूछते हैं। बाकी मान लो आ भी जाता तो मैंने मेथड बता दिया, आप कर सकते हो, और इनको ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं जनरलाइज करा रहे हैं, और जनरलाइज करा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, दो फॉर्मूले आपको याद है वहां सारे फॉर्मूले निकाल लिया करेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ टाइम पीरियड का हो गया, हमें फ्रीक्वेंसी का हो गया, ये सारा चीज हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग करंट, करंट का फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू, चाहे इसे निकाल लो चाहे देखो, ये आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, और टाइम पीरियड का निकाल ही चुके हो, बोलो। तो यहां पर टाइम पीरियड का ये हम ऐसे कर सकते हैं, क्यूथ हो गया चार्ज हो गया उसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो आई हो जाएगा सीधे सीधे 1/T, इसको कर लो। तो यहां से टी की वैल्यू अभी क्या निकालें बताइए, एन क्यूब, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर अपान एम से कोई मतलब नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो जब वैल्यू रखेंगे तो पूरा डाटा निकलवाएंगे, तो डाटा कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हमने जनरलाइज कर दिया, आई निकल आया हमारा, बोलिए। अब करंट के बाद हमें निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड का देखिए ये फॉर्मूला याद, म्यू नॉट अपान टू आई अपान आर, बोलिए। तो B प्रोपोर्शनल टू, अब I और R की वैल्यू यहां रख दीजिए,
आई वैल्यू बताइए क्या निकाले अभी, जेड स्क्वायर अपान एन क्यूब, और आर की वैल्यू एन स्क्वायर बाई, तो क्या हो गया जेड क्यूब अपान ये निकल आया आपका, बोलिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल टू आई आर एन आई ए होता है, एम इज इक्वल टू एन आई ए किसी कॉयल के लिए होता है, एन से नंबर ऑफ टर्न्स को कोई मतलब नहीं है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर ले लेते हैं, तो बताइए आई वैल्यू भी क्या किए, जेड स्क्वायर, और आर की वैल्यू बताओ क्या आप निकाले थे, एन स्क्वायर अपान का होल, तो प्रोपोर्शनल टू जेड टू पावर फोर अपान फोर थ्री, गड़बड़ कर दिया कि एम प्रोपोर्शनल टू आई आर स्क्वायर, आई की वैल्यू बताइए जेड स्क्वायर अपान, आर की वैल्यू एन स्क्वायर बाई, तो ये बताइए क्या बचा, एक जेड बचा का होल स्क्वायर, हाँ तो ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां एन पावर फोर थ्री, तो सीधे सीधे वन अपान नहीं जेड स्क्वायर ये और जेड स्क्वायर ये कैंसिल हुआ ना, और ये आ गया एन की पावर यहां फोर और ये एन पावर थ्री, प्रोपोर्शनल टू एन आएगा, प्रोपोर्शनल टू जेड कहां छूटा, आई हो गया जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू है, यहां छूट गया एन स्क्वायर ये कैंसिल हुआ जेड, हाँ ये छूट गया है ठीक, तो यहां पर ये सॉरी क्या निकालना था, मैग्नेटिक मोमेंट निकल आया ठीक, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत कम ना, मतलब कभी कात बार आ गए आए नहीं है, पहले आते थे इधर नहीं दिख रहे हैं, एरिया निकालना है, अब बताइए एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर, अब पाइस कोई मतलब नहीं, आर की वैल्यू बताओ सॉरी एन स्क्वायर बाई का होल, तो ए प्रोपोर्शनल टू एन टू पावर फोर अपान, एरिया निकल आया, अब आते हम लोग सेंटीपिटल फोर्स पे आते हैं, सेंटीपिटल फोर्स हमारा एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान, बताइए वेलास्टिक फॉर्मूला बताइए क्या आया, जेड बाई एन, अब आर की वैल्यू, आर की वैल्यू एन स्क्वायर बाई, तो जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इंटू जेड अपान एन स्क्वायर, तो जेड क्यूब अपान ये निकल आया, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर अपान आर, सेम चीज आएगा बोलिए, तो ए प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपान एन टू पावर फोर, ये आ गया आपका ठीक, इधर लेकिन दिख नहीं रहे क्वेश्चंस, ये पहले आया करते थे उसमें एक्सीलरेशन एरिया ये सब पूछा जाता था, लेकिन ये जब से आपका नीट स्टार्ट हुआ तब से कहीं दिख नहीं रहे हैं, तब से क्वेश्चंस आपका रेडियस का वेलासिटी का एनर्जी का और जो वेवलेंथ का इसका ये क्वेश्चन आते हैं बस, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सेंट्रीफ्यूगेशन बता ही दिया हमने आपको,
अब हम लोग आते हैं एनर्जी, यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका स्टार्ट हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में आइए, ये है आपका जेडी है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेडियस आर है। पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होता है फॉर्मूला, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, और यहाँ ले लेते हैं ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ भी तो है, तो ये प्रोटॉन है, न्यूक्लियस पे क्या होता है प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी में क्यू वन क्यू टू का जैसा नेचर हो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव है तो, ये जो निगेटिव आया वो इसकी वजह से आया है। ये जो ई होता है प्रोटॉन के लिए प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इसलिए यहां माइनस आया। काइनेटिक एनर्जी पे आ जाइए, क्या हो जाएगी बताइए। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी के लिए हम ये करते हैं एम बी स्क्वायर अपान आर, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला ध्यान दीजिए जो अभी हमने पहले निकाला था, एम बी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई इप्सिलॉन नॉट जे डी इंटू ई अपान, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ और टू से डिवाइड कर दो इसी को, तो एम बी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ भी टू से डिवाइड कर देते हैं तो वन अपान एट पाई इप्सिलॉन नॉट जे डी स्क्वायर अपान। अब बताइए ये है क्या, ठीक हम इसको ऐसा कर ले रहे हैं अभी कि U इज इक्वल टू या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के, बार बार लिखने से अच्छा है जे डी स्क्वायर अपान आर कर लेते हैं। तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन बाई टू या के बाई टू बोलिए जे डी स्क्वायर अपान, यहाँ टू हमने मल्टीप्लाई किया था ना, ये तो टू बाहर निकाल लोगे तो फोर पाई आया, तो फोर पाई जगह हमने सीधे क्या रख दिया के लिख दिया, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, और एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। टोटल एनर्जी पे आ जाइए, तो टोटल एनर्जी हमारी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो हो जाएगा के बाई टू जे डी स्क्वायर अपान आर माइनस के जे डी स्क्वायर अपान। अब ये जब निकालेंगे टोटल एनर्जी, या इसी को हम सीधे ई लिख देते हैं, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस हाफ के जे डी स्क्वायर अपान। एक क्वेश्चन आता है रेशियो दोनों पूछ लेते हैं, काइनेटिक का पोटेंशियल का, काइनेटिक का टोटल का, और ये ग्रेविटी भी हमने आपको बताया था वहाँ भी आ जाता है, तो क्या किया करो दोनों डिवाइड कर दिया करो। जैसे मान लिए पोटेंशियल और काइनेटिक की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी अपान काइनेटिक एनर्जी, देखिए पोटेंशियल हमने ऊपर रखा और काइनेटिक हम नीचे रखेंगे तो वन बाई टू आएगा, तो टू कहाँ चला जाएगा, और ये माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस कर दिया। लेकिन जब मॉड ले लें, कहीं ऐसे लगाया हो कि मॉड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यही माइनस जगह क्या हो जाएगा, मतलब कि मॉड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टू इंटू, अब किसी को पूछें तो दोनों का रेशियो निकाल लो। अब याद कैसे करेंगे, देखिए पोटेंशियल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
Q1 Q2 अपान R, काइनेटिक में 1/2 हो जाता है। और मान लीजिए इन केस भूल जाते हैं तो इसको ध्यान दे रहिएगा, एम बी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू करके यहाँ से निकाल लो, अदरवाइज ब्रेन बैठाए रखो कि का पोटेंशियल हमारी क्या होती है, के जे डी स्क्वायर अपान आर, तो काइनेटिक हो जाएगी K/2, ठीक। और ये माइनस होती है और काइनेटिक हमेशा, ठीक। और जो टोटल निकालेंगे वो -½ आ जाएगी, के जे डी स्क्वायर अपान आर आ जाएगी। ये अलग अलग इनका हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं टोटल एनर्जी में। अब टोटल एनर्जी जो भी हम लोग निकाले, क्या फॉर्मूला लगाए बताओ, -½ मतलब -K/2 जे डी स्क्वायर अपान। अब ये जो आर है रेडियस का जो फॉर्मूला पहले निकाले फर्स्ट, उसको यहां रख देंगे। रखने के बाद ये जो वैल्यू हमारी आती है, जरा रेडियस फॉर्मूला बताओ, इप्सिलॉन उस जो पूरा था किस में क्या है, बताइए, जे डी स्क्वायर, आर की वैल्यू बताइए, एन स्क्वायर, एच स्क्वायर अपान इप्सिलॉन नॉट पाई अपान पाई एम जे डी, ये है आपका, ठीक। अब ये वैल्यू ऊपर चली गई K/2, अब ये जेड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर ई टू पावर क्या हुआ, 4 हुआ, पाई ऊपर चला गया, एम ऊपर चला गया, नीचे आपका बचा क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू, बोलिए एक स्टेप। अब इसकी वैल्यू यहां रख दो, इसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो -1/8 4π एप्सिलॉन नॉट ई टू पावर 4π m/h² एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपान, ठीक। बोलो इसी को सी एच से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस जो कुछ कैंसिल हो रहा है पाई से पाई और कुछ कटेगा, 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई टू पावर 4 एम, और सी एच हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया और सी एच से यहां कर देंगे तो ये हो जाएगा सी एच क्यूब इप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपान। और ये जो वैल्यू होती है ये होती है कैपिटल रिडबर्ग कांस्टेंट, क्लियर हो गया। तो इसकी जगह रख दिया गया कैपिटल आर, ये सी एच ये हो गया जेड स्क्वायर अपान एन हो गया। तो यहां से जो वैल्यू हमारी आई ये वैल्यू हो गई ई एन, ठीक। ई एन की वैल्यू आ गई -RCH जेड स्क्वायर अपान, और ये जो RCH है इसकी जो वैल्यू हम पूरा रखते हैं तो ये कितना आता है, -13.6 आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। RCH वैल्यू कितना होता है, माइनस तो ऑलरेडी है ही है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1.09 10^7 पर मीटर। तो
हम 1.09 जगह सीधे सीधे कैलकुलेशन में क्या लेंगे, 10^7 लेंगे पर मीटर, ठीक। तो ये वैल्यू हमारी, ध्यान दीजिए, आर की वैल्यू ये हो गई 10^7 हो गई, और आर सी एच की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन। तो फार्मूला ये बड़ा इंपॉर्टेंट निकल के आ गया आपका, ये मतलब का है, इसको रटे रहना है। En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन बोल्ट। अभी तक जो पढ़े हो सबसे इंपॉर्टेंट आर का रेडियस का था, वेलासिटी का था, और तीसरे नंबर पे ये एनर्जी का आ गया, ठीक। बाकी इनकी कोई खास जरूरत यहां पे नहीं है, ये तो याद करने करना है। अब इसके हम लोग आगे चलते हैं। अब इसी में हाइड्रोजन लाइक आइटम होगा तो जेड वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे बस। बाइंडिंग एनर्जी तो वही जो निगेटिव थी वही क्या हो जाएगी, बाइंडिंग। जैसे हमने कहा कोई 10,000 रुपये लेकर गया है और उसको पकड़ ले गया है, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, 10,000 उसको दे दो, वो माइनस हो गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, दे दिया तो छूट गया, वही चीज़ हो गया कि ये निगेटिव था तो उतना ही हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, वही बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। ये हमने जो आपको बताया था वही डिवाइड डिवाइड करके निकालने के लिए। अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस ले जाने की जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट से इनफाइनाइट तक एक्सीलरेट करने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो हुआ क्या, वही अब ये ई इनफाइनाइट करोगे, माइनस ई एनथ ऑर्बिट रखेंगे, इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, माइनस ये वैल्यू रखें तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, कुल मिला के वही जो बाइंडिंग एनर्जी है वही हमारी क्या हो गई, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। यही तो डिफरेंस आया, मतलब कि जो हमारी टोटल थी वो निगेटिव थी, बाइंडिंग हमारी प्लस हो गई, आयोनाइजेशन वाली भी क्या हो गई, प्लस। बस ऐसे याद कर लेना है। और रही बात पोटेंशियल की, तो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और पोटेंशियल का बस इलेक्ट्रॉन निकाल दो उसमें से, वही पोटेंशियल बन गया। यही तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक खूब किए हैं, बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था उसमें से ही हटा दिया तो वोल्ट आ गया, वोल्ट किसकी यूनिट हो गई, पोटेंशियल की। तो यही हमारा जो है ये ई आयोनाइजेशन हमारा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल हमारा जब निकालना होगा तो बताओ यही वी इज इक्वल टू क्या करोगे, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये आंसर हमारा किस में आ गया, ई हट गया, बस ई भी हो गया एनर्जी और केवल वी हो गया वोल्ट, पोटेंशियल हो गया। तो क्या हुआ, टोटल एनर्जी वाला हो गया फॉर्मूला हमारा, बताओ क्या हुआ, -30। पहले फिर से समझ लो रेडियस का, एक तो फॉर्मूला आया हमारा इंपॉर्टेंट एन वाला जो पहले बताए थे कि एन जो है प्रोपोर्शनल टू 1/sin^4θ/2, एक थोड़ा सा मतलब का है, एक दोबारा आया क्वेश्चन। दूसरा फॉर्मूला फिर हमारा जो आया एक अप्रोच वाला जो आया, आर जो हो गया 1/m और दूसरा हो गया 1/b². थर्ड हमारा आता है एनर्जी रेडियस का, रेडियस फॉर्मूला क्या बताया, क्या हो गया 0.53 एन स्क्वायर अपॉन एंगस ट्रॉ। वेलास्टिक क्या आया, 2.2 × 10^6 कितना, जेड बाई एन, क्या मीटर पर सेकेंड, ओके। और इसके बाद हम आते हैं एनर्जी पर, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया, -kJd² / r। काइनेटिक के क्या आया, माइनस नहीं, k/2 Jd² / r। और टोटल एनर्जी क्या आया,
माइनस के बाई टू जे डी स्क्वायर अपान आर। ठीक, अब हम यही आ जाते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्म में, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ई एन इज इक्वल टू माइनस आर सी एच, यहां से याद करना, माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। और जब आर सी एच की हम वैल्यू रख देंगे टोटल, तो हो जाएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यही आ जाते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी में, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आ जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, तब भी क्या हो गया, 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। यही जब आ जाते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर, तो ई हटा दो, तो क्या हो गया, 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर बोल्ट। ओके, यहां तक हो गया हमारा। ये भी वही चीज है, एक्साइटेशन एनर्जी में पोटेंशियल में दोनों में वही फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल जीरो इनिशियल, तो वैल्यू यही इसमें भी आती है, चाहे आपका बाइंडिंग एनर्जी कहें, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी कहें, चाहे एक्साइटेशन एनर्जी कहें, दो तीनों का सब मतलब सेम होता है, बस जहां माइनस था क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक, या निकालना कहीं हो जाए तो क्या करोगे, मान लो ये फाइनल और माइनस क्या कर दो, इनिशियल, और पोटेंशियल में वही जो आए उसी को इसे डिवाइड कर दो, मतलब वो बोल्ट में आंसर आ जाएगा, इतने फर्क आ जाएगा। बोलिए, इसके बाद आते हैं ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर से लोअर को आता है तो क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी के लॉस की वजह से क्या होता है, वो फोटॉन इमिट कर देता है। ठीक, यही जो है नील्स बोर का थ्योरी भी था कि भाई वो रोटेट करता रहता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, और जब अपनी ऑर्बिट वो छोड़ता है तो जम करेगा, जम कर कम बैक होता है, वहां पर एनर्जी का लॉस होता है, जिससे क्या होता है, फोटॉन इजेक्ट होता है। फिर आते हैं एनर्जी ऑफ इमीडिएट रेडिएशन। इमीडिएट रेडिएशन मतलब क्या हुआ कि हमारा E2 और E1 दो ऑर्बिट का जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक, ये हमारा E1 हो गया, ये E2 हो गया, तो E2 माइनस E1 जो लॉस ऑफ एनर्जी है, वही लॉस ऑफ एनर्जी क्या पैदा करेगी, फोटॉन। तो क्या करेंगे, E2 माइनस E1, E2 वैल्यू रख दिया, सब तो सेम होगा, N2 N1 चेंज हो गया, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इसकी जरूरत, अभी इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, लॉस ऑफ एनर्जी आपको निकालना है कि कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड से फोर्थ जाता है तो क्या हो जाएगा, 1/N, मतलब 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो जाएगा, हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम है तो वहां Z की वैल्यू हम रख दिया करेंगे। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। क्लियर हो गया, कहीं मान लो भूल भी जाते हो तो वही जो एनर्जी वाला फॉर्मूला था उन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लो, और याद है तो याद तो कर लो, बहुत बेहतर है कि डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाए बताइए, 13.6 जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/ यहां पर जो होगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट। ठीक, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। अब फ्रीक्वेंसी वगैरह मत याद करना, इसको निकाल लिया करना, मालिक बहुत कम आता है भाई, इज इक्वल टू होता है H nu, और ये वैल्यू हमारी आई 13.6 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/ तो यहां से न्यू की वैल्यू जो हो जाएगा, ये हो गया, या इसी को मॉडिफाई करना चाहते हो, RCH
ये हो गया। अब ध्यान देना, यहां पर ये जो रखा वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो एच की वैल्यू ध्यान देना, ये जूल सेकंड होता है जब रखना, तो जूल सेकंड को, और फिर इसको क्या करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लेना। क्या करेंगे कन्वर्ट कर, 1.6 10 पावर 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा आपका किस में, जूल में आएगा। और ये हमारा एच की वैल्यू किस में होगी, जूल सेकंड होगी, तो जूल से जूल क्या हो जाएगा, तो सेकंड इनवर्स हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में ध्यान दे रहे ना, या ये कर लिया करो, एनर्जी निकाल के फ्रीक्वेंसी अलग से निकाल लो। एनर्जी निकाल लिया हमने, एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी निकाल, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं, मत फॉर्मूला याद करिए, समझ में आ रहा है, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप क्या कर लीजिए, एनर्जी निकाल लीजिए। अब एनर्जी आ गई, फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, लेमडा एच सी अपान लेमडा से निकाल लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पर ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, ऐसे जा रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगा, वहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग, वेवलेंथ निकालना हो इसी में, हमारी बात समझ में आई, कैलकुलेशन ध्यान दिए रहे ना, हम ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू हमने रखा हुआ है, ये आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और एच की वैल्यू हमारी होती है किसमें, जूल सेकेंड में होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, जूल में, ठीक, तब हमारा जूल से जूल क्या हो जाएगा। या सिंपल सी चीज ये है, फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, आप इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से एनर्जी निकाल लीजिए, इससे एनर्जी निकाल लीजिए, इसको छोड़िए सब, और इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ क्या, एच न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू ई अपान एच। अब यहां से फाइंड करो, इससे क्वेश्चन बहुत किए हैं, लेमडा निकालना है तो एच सी अपान लेमडा कर लो। ओके, ना ज्यादा याद करिए, केवल एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, उसी सारा काम चला लीजिए। बोलो यार, मतलब अपने अपने लेवल के हिसाब से, जैसे जी हो उसके लिए, सबके लिए है। वेव नंबर या वेव लेंथ, अब वेव नंबर, नंबर आप वेव पर यूनिट मीटर, पर यूनिट लेंथ को कहते हैं वेव नंबर, जो कि लेमडा की यूनिवर्सली होता है। तो अब ये लेमडा कैसे निकालेंगे, देखिए इज इक्वल टू एच सी अपान लेमडा, और यही वैल्यू हमारी है आर सी एच वन अपान एन वन स्क्वायर माइनस वन अपान। तो बताओ एच सी से एच सी क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो न्यू बार इज इक्वल टू वन अपान लेमडा इज इक्वल, यहाँ जेड भी रहेगा, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर वन अपान एन वन स्क्वायर माइनस, क्लियर हो गया। तो हम तो ये कहेंगे कि इस तरह क्वेश्चन कहीं आता है, कोई तुम्हें सीरीज नाम नहीं देते, लाइमन बार का नाम नहीं लेते हैं, और ये कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ ऐसे जंप कर रहा है, एनर्जी निकालिए, फ्रीक्वेंसी फाइंड करिए, वेवलेंथ फाइंड करिए। तो सीधा है कि फॉर्मूला जो हमारा है 13.6 वन अपान एन वन स्क्वायर माइनस वन अपान एन टू स्क्वायर निकाल लेंगे, और एनर्जी निकालने के बाद एच इज इक्वल इज इक्वल टू एच न्यू फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, इज इक्वल टू एच सी अपान लेमडा लेमडा निकाल लेंगे, और जिसको याद करने का मन हो तो याद कर लो, अभी इसके में आगे जरूरत भी है। ठीक, बोलो वन अपान लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन अपान एन वन स्क्वायर माइनस वन अपान, ये क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, कि ऐसे इसको हमने नाम दे दिया N2, इसको नाम दे दिया N1, ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जम कर रहा है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, तो एनी N2 माइनस N1 प्लस 1, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए N2 माइनस N1 यहाँ भी है, N2 माइनस N1 यहाँ भी है, और बाई टू तो है ही है, बस एक में, किसी एक में वन ऐड कर दो, ये
क्लियर हो गया, ऐसे याद कर लिया, दोनों सेम है बस एक में वन ऐड है, एन टू माइनस एन वन प्लस वन एन टू माइनस एन वन अपान टू। लेकिन मेडिकल पे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, आईटी में तो आया, मेडिकल में नहीं है, मेडिकल पे इस पे आया है। अब इसमें क्या कर लिया, एन वन इसको हम ग्राउंड मान ले रहे कि किसी एनथ ऑर्बिट से ग्राउंड में आ रहा है, तो जब एनथ ऑर्बिट से ग्राउंड में आएगा तो एन टू की जगह एन कर दिया और एन वन की जगह हमने ग्राउंड को वन लिख दिया। जब यहां वैल्यूज रखेंगे तो कट पिट के क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एन एन माइनस वन बाई टू। बोलो, जब किसी एनथ ऑर्बिट से ग्राउंड में आ रहा है इसका मतलब एन टू इज इक्वल टू एन ले लिया और एन वन इज इक्वल टू वन ले लिया। अब एन टू इज इक्वल टू एन यहां रखो, यहां वन रखो, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हुआ तो यहां एन बचा और यहां पर एन माइनस वन, तो देखिए वही फॉर्मूला हुआ। तो ये फॉर्मूला याद के रहिएगा, इस पर क्वेश्चन मेडिकल में आया हुआ है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या फॉर्मूला है बताओ, एन इज इक्वल टू एन एन माइनस वन बाई टू, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करना। जैसे उन्होंने कहा फोर टू ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, फोर हमने यहां रखा, फोर माइनस वन तो हो जाएगा कितना, ऊपर ये फोर हुआ ये थ्री हुआ, टू से कैंसिल कर दो, कितना आ गया, सिक्स आ गया। बस ऐसे कैलकुलेशंस रहेंगे। ये रिक्वायर स्पीड एंड एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे कोई एटम है और इस एटम से ये फोटॉन यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गया, कम बैक हुआ तो यहाँ से फोटॉन इजेक्ट हुआ, ऐसे ही तो होगा क्या कि कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे, फोटॉन का मोमेंटम एटम का मोमेंटम। तो किसी एटम पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ये होता है एमबी किसी पार्टिकल का, और मोमेंटम ऑफ फोटॉन क्या होता है, एच अपान लेमडा। तो क्या हुआ कि ये मोमेंटम ऑफ फोटॉन ये हो गया एच अपान लेमडा, ठीक, यहां मोमेंटम है और लेमडा की वैल्यू रख दिया आर एच आर जेड स्क्वायर वन अपान एन वन स्क्वायर माइनस वन अपान एन टू स्क्वायर। हमारी बात समझिए, जैसे हम यहां वैसे बनाएंगे एम बी इज इक्वल टू एच अपान, अब लेमडा का निकाल लो, जैसे कहते हैं थर्ड टू फोर्थ इस तरह से जा रहा है तो जो भी हो, तो हम यहाँ जो वैल्यू रखेंगे एच तो हमारा ऐसे रहेगा और वन अपान लेमडा का वैल्यू क्या बताया था, आर जेड स्क्वायर वन अपान एन वन स्क्वायर और माइनस वन अपान, बस कैलकुलेट कर लेंगे जो भी कैलकुलेट करना चाहें। इसके बाद आते हैं एनर्जी, अब एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी लगा देंगे तो इसकी एनर्जी तो हो गई हाफ एम बी स्क्वायर, इसकी एटम की, एटम की एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम क्या हो जाएगी, बोलिए, हाफ एम बी स्क्वायर हो गया। और रही बात इसका फोटॉन का, हम निकालेंगे तो फोटॉन का पी स्क्वायर अपान टू एम वही हुई, यही ये किसके इक्वल हो गई। अब देखो पी और पी फोटॉन का बताओ मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, एच अपान, तो वन अपान टू एम एच अपान लेमडा का होल, ये हो गया पार्टिकल एटम का, ये किसका हो गया फोटॉन का, ठीक, ये आपका फोटॉन का हो गया, इधर मोमेंटम का है, नीचे किसका है, एनर्जी का है, कंजर्वेशन एनर्जी और कंजर्वेशन मोमेंटम। पार्टिकल का मोमेंटम हो गया एम बी, फोटॉन का मोमेंटम हो गया एच अपान लेमडा, दोनों को इक्वेट कर दो बस, पार्टिकल की एनर्जी होगी पी स्क्वायर अपान टू एम और इसका हो जाएगा आपका टू एम, जहां पर हमारा ये पी था पी की जगह हमने रख दिया एच अपान लेमडा। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस पर, कभी कदाब आए ज्यादा नहीं है, तो इंपॉर्टेंट पोर्शन में से नहीं है। अब इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं, जितना आपका पीछे भी पढ़े इंपॉर्टेंट है उतना अकेले में इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम,
जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा गया तो उस पर लाइंस दिखी, उन्हीं को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और उसमें ये डिपेंड करता है स्पेक्ट्रम कि हमारा जो जंपिंग इलेक्ट्रॉन्स की हो रही किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में हो रही है। तो यहां पर जो होगा यहां से क्वेश्चन 99% मान चलिए कि मिलेगा आपको। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, किसी हायर से ग्राउंड में ये हायर से ग्राउंड किसी हायर से तो क्या कहलाता है, ये लाइमन सीरीज हो जाएगा। किसी हायर से सेकेंड क्या कहलाएगा, किसी हायर से थर्ड क्या कहलाएगा, फिर किसी हायर से फोर्थ क्या हो जाएगा, किसी हायर से फिफ्थ बोल दो क्या हो जाएगा, फुंड। लाइमन वामन पास्टन ब्रैकेट फुंड, ठीक। अब हम फॉर्मूला जब मॉडिफाई करेंगे इसका बनाएंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा, 1/λ आर जेड स्क्वायर। लाइमन के N1 की वैल्यू क्या लेंगे, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर और N2 की वैल्यू 2, 3, 4। क्लियर हो गया, बोलिए। अब जैसे सेकेंड मेंबर कहा जाए इसका मतलब यहां से थर्ड मेंबर, यहां से फोर्थ मेंबर, यहां से। अब इसमें दो चीज ध्यान दिया रहना, मैक्सिमम और मिनिमम। तो जो फर्स्ट मेंबर होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। तो 1/λ मैक्सिमम, जरा ध्यान दीजिए यहां पर, ये इसको ध्यान दिए रहना, आर जेड स्क्वायर ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर और लास्ट मेंबर का वेवलेंथ क्या होता है, 1/λ मिनिमम और ये हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर और -1/∞। ओके, अब एक चीज ध्यान दो, जो फॉर्मूले 1/1 वाले हैं जैसे 1/λ उसमें जो फर्स्ट मेंबर होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब कैसे याद करेंगे कि N2 इनफाइनाइट किया, इनफाइनाइट मतलब मान लेते हैं ज्यादा अधिक, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में मिनिमम और मिनिमम में मैक्सिमम, ऐसे याद कर लेते हैं कि जो लेमडा हम ऐसे याद करते हैं कि इनफाइनाइट हुआ वो ज्यादा हुआ है, तो उसको हमने ज्यादा में कम मतलब कि वो उसका वेवलेंथ क्या हो गया, कम हो गया, तो पहले वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट मेंबर का मैक्सिमम होता है और लास्ट मेंबर का। अब जो फॉर्मूले तुम्हारे इस सकल सूरत के नहीं है, जैसे एनर्जी, अब एनर्जी में क्या होता है, E=hν, इस तरह चलता है, 1/1 में तो नहीं आता ना, या न्यू, ई और न्यू की कहानी एक जैसी होगी। और क्या होगी, जो फर्स्ट मेंबर होगा वो मिनिमम होगा और लास्ट मेंबर मैक्सिमम होगा। पॉइंट क्लियर हो गया, इसको ध्यान दिए रहिएगा। 1/λ है ना, तो लेमडा कहानी एक जैसे चलेगी और न्यू और ई की एक जैसी चलेगी। तो लेमडा में जो फर्स्ट मेंबर है वो मैक्सिमम हुआ। अब हम इसको कैसे याद कर लिए कि लास्ट जो हम कर रहे हैं कि हम N2 इनफाइनाइट रख रहे हैं तो ज्यादा, ज्यादा में कम मतलब कि इनफाइनाइट वाले का वेवलेंथ क्या हुआ, कम हुआ, तो लास्ट मेंबर का कम हुआ और फर्स्ट मेंबर का ज्यादा हुआ, तो फर्स्ट मेंबर का मैक्सिमम और लास्ट मेंबर का, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी में इसी के जस्ट अपोजिट, ठीक। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद इसी तरह से हम इसमें चलेंगे, अब सब में देखते जाओ
इसमें जो एन वन होगा फर्स्ट, इसमें एन वन होगा टू, इसमें एन वन होगा थ्री, इसमें एन वन होगा फोर, इसमें एन वन होगा, और एन टू एक एक कदम आगे से चलेंगे। दूसरा चीज, अच्छा पहले ये चीज और देख लो, फिर अब आते हैं बामर सीरीज। ठीक, तो बताइए बामर सीरीज का फॉर्मूला बोल दो। वन अपान लेमडा आर जेड स्क्वायर वन अपान यहां एन टू की वैल्यू थ्री फोर। अब इसका मैक्सिमम बताइए, वन अपान लेमडा मैक्सिमम बोलिए, जेड स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, वन अपान लेमडा मिनिमम बताइए आर जेड स्क्वायर ये हो गया। अब आते हैं पास्चन में, पास्चन बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा। वन अपान लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन अपान थ्री स्क्वायर और एन टू की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फोर फाइव सिक्स हो जाएगी। तो वन अपान लेमडा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वन अपान थ्री स्क्वायर माइनस वन अपान लेमडा मिनिमम क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर माइनस। ठीक, अब हम लोग आते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट का फॉर्मूला बताओ। वन अपान लेमडा आर जेड स्क्वायर वन अपान माइनस और एन टू की वैल्यू यहां हो जाएगी फाइव सिक्स। तो वन अपान लेमडा मैक्सिमम बोलिए क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर फोर स्क्वायर फाइव स्क्वायर। वन अपान लेमडा मिनिमम क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर फोर स्क्वायर माइनस। फुंड में आ जाओ, वन अपान लेमडा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर वन अपान फाइव स्क्वायर माइनस एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स सेवन्स। तो वन अपान लेमडा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आर जेड स्क्वायर फाइव स्क्वायर और वन अपान लेमडा मिनिमम बोलिए, आर जेड स्क्वायर वन अपान फाइव स्क्वायर और माइनस वन अपान। ठीक, तो ये सीरीज हो गई। और इसमें जो है फर्स्ट लाइमन में बताइए कलर उसका स्पेक्ट्रम यूवी, फिर विजुअल, फिर इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा। अब वेवलेंथ ज्यादा किसका होगा भाई, यूवी से आगे जाओगे वेवलेंथ इंक्रीज करता है ना, गामा फिर एक्सरेज फिर यूवी फिर विजुअल फिर इंफ्रा, इसका मतलब इंफ्रा का। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ हम इनको कंपेयर करें तो किसका होगा बताइए, लेमडा फुंड ग्रेटर देन लेमडा ब्रैकेट ग्रेटर देन लेमडा पास्चन ग्रेटर लेमडा बामर ग्रेटर देन लेमडा। अब एक क्वेश्चन देखिए, क्लास हम लोग करा था, इसमें भी कंपेयर करना है कि अब इन तीनों की, क्योंकि तीनों के एक ही कलर हो रहा है रीजन, तो इन तीनों में कहा जाए तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, फुंड का होगा। बोलिए कलर तो भाई इंफ्रा इसका भी है, इंफ्रा ही इसका भी इंफ्रा है, तो इंफ्रा में भी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फुंड का होगा। बोलिए तो ये वेवलेंथ के केस में हो गया लेमडा फुंड ग्रेटर देन लेमडा ब्रैकेट ग्रेटर देन लेमडा पास्चन ग्रेटर देन लेमडा बामर ग्रेटर देन लेमडा। इसके बाद एक्सरेज का फॉर्मूला, सिर्फ जहां जेड होता है वहां जेड माइनस बी याद करिए हमने बताया था, और बी की वैल्यू हमने बताया था अलग अलग सेल के लिए अलग अलग होता है। के सेल के लिए वैल्यू क्या लेते हैं, वन, एल सेल के लिए 7.4 और एम सेल के लिए 19.2, इतने सफिशियंट है, बस यहीं तक आया हुआ है।
आया, मतलब एग्जाम में नहीं आया हुआ है, वैसे गाइड क्वेश्चंस दिए हैं। अब जैसे आपको इसमें बनाना है वन अप वन अपान लेमडा के, अब के बनाना है तो क्या हो जाएगा, आर जेड माइनस वन का स्क्वायर वन अपान एन वन स्क्वायर और माइनस वन अपान एन टू स्क्वायर, ठीक। लेकिन जब के सेल करेंगे तब यहां पर एन वन की जगह हम क्या रख देंगे, वन, मतलब कि के सेल की जब हम बात करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारी यहां पर है इसकी जगह हम लोग रखेंगे वन स्क्वायर। अब एन टू की वैल्यू आपकी टू थ्री फोर, तो उसको कहते हैं के अल्फा के बीटा के गामा, मतलब हम इसी कहें वन अपान लेमडा के अल्फा, तो हो जाएगा आर जेड माइनस वन स्क्वायर वन अपान वन स्क्वायर और माइनस वन अपान, यही हम कहें के बीटा तो वन अपान लेमडा के बीटा, तो अब बताइए आर जेड माइनस वन का स्क्वायर वन अपान वन स्क्वायर माइनस वन अपान। इसी तरह से अब हम जब बनाएंगे एम सेल एल सेल के लिए, तो जहां बी वन दिए हैं वहां बी क्या रखोगे, 7.4 लोगे, तो हम इसके लिए बनाए वन अपान लेमडा के, इसके नहीं एल, तो वो क्या हो जाएगा आर जेड माइनस 7.4 का स्क्वायर। अब स्टार्टिंग यहां से क्या हो गई, वन अपान टू स्क्वायर और माइनस वन अपान ये एन टू स्क्वायर, बोलो। अब जब हम यहां अल्फा कहेंगे तो एन टू की वैल्यू थ्री 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 स्टार्ट होगा, और बीटा कहेंगे तो ये फोर, गामा कहेंगे फाइव, बोलो। लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, एक्सरे बस वही एक जो फॉर्मूला है उसी क्वेश्चन मिलते हैं, इस पर नहीं मिलते हैं, ओके।